इन्होंने 6 लाख रुपए की उस बंदे के साथ डील की और जो FIR में लिखा हुआ है वो है 60 लाख रुपए। जिस शख्स ने पर्चा किया थाने में उसने कहा कि गलती से 0 भी साथ लग गया है तो इसलिए इसको ऐसे ही जाने दे। अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ दुआ मिर्जा। नाज़रीन, क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि जिला कसूर के इलाके इलाहाबाद में क्रिकेट के नाम पर एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है। मोहम्मद आमिर मेरे साथ मौजूद है जो कि क्रिकेट के शौकीन है, क्रिकेट खेलते हैं। इनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, एक गिरोह ने कुछ रकम लेकर इनकी अपॉइंटमेंट करवा दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और इनको सिर्फ जबानी कलामी अपॉइंटमेंट नहीं करवाई गई बल्कि ये वर्दी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं पाकिस्तानी नेशनल टीम की, इनको बजरिया डाक भिजवाई गई और उसके बाद ये अपॉइंटमेंट लेटर जो मेरे हाथ में है ये बाकायदा इनको भिजवाया गया। लेकिन जब आमिर अपना ट्रायल देने ये अपॉइंटमेंट लेटर लेकर PCP गए तो इनको बताया गया कि लेटर जाली है और इनकी अपॉइंटमेंट किसी भी तरह की नहीं हुई। ये सारा मामला क्या हुआ और कितने पैसे दिए गए इसके लिए मेरे साथ मौजूद है तारिक साहब जो कि आमिर के मामू है। सारा मामला इन्होंने देखा इसलिए इनसे जानते हैं कि ये ट्रैप कैसे हुआ। क्रिकेट बोर्ड में अगर कोई बुलाता है तो वहाँ पे प्रॉपर ट्रायल होता है, प्रॉपर प्रोसीजर है उसका। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कुछ रकम दें और आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाए? किसने आपको ये कहा और आपने कितने पैसे दिए? मैं एक दोस्तों की महफिल में बैठा था, लोगों ने मुझे कहा कि आपका जो भांजा है वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता है। उधर ही एक आदमी बैठा था हमीद, उसने कहा कि मैं आपके भांजे को किसी भी बोर्ड में भर्ती करवा देता हूँ, 6 लाख रुपया फीस है, वो आप जमा करा दें। मेरे वजीर आजम के साथ बहुत घरेलू तल्लक हैं, वजीर आजम के कोटे में ही भर्ती करवा देंगे। जब उन्होंने ऐसी बातें की तो हम देहाती लोग हैं, हम उस बात पर एग्री हो गए और हमने उसे 6 लाख रुपए दे दिया। 6 लाख रुपए उसको दे दिया, कोई स्टैम्प पेपर हुआ? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टाम्प पेपर नहीं है। अपॉइंटमेंट लेटर कब आया आपके? डाक के जरिए आया है लेटर, उसने फोन किया कि आपको लेटर आ रहा है, वर्दी आ रही है। जब लेटर PCP के दफ्तर इसे भेजा, चेक करवाया, पता चला कि वो सब कुछ लेटर हर चीज जाली है। उसके बाद हमने इस बंदे पर प्रेशर डाला कि जा हमारे पैसे दे दो। क्या मुझे ये बताइएगा कि ये वर्दी किस तरह आई थी, प्रॉपर पैकिंग में थी, किस तरह थी? क्योंकि इसका स्टफ से लग रहा है कि ये बड़ी लोकल सी है। पूरे प्रॉपर तरीके से आई, डाक के जरिए आई। इस बंदे ने हमें फोन किया कि वो वर्दी आपकी उधर पहुंच गई है तो वो अपनी वर्दी रिसीव कर ले। जब हमें लेटर शेटर मिला, हमने इधर दावत की और देगें वगैरह भी उतारी, दोस्तों को दावत पर भी इनवाइट किया, हर तरह का जश्न किया कि ये हमारे इलाके में, चलो हमारा बच्चा भी सिलेक्ट हो रहा है। थाने में जाके पर्चा भी करवाया, कोर्ट के आर्डरों के साथ भी पर्चा करवाया, लेकिन अब वो बंदा बुरी बेल पर है। हमारे 6 लाख का मकसद नहीं है, असल मकसद है कि हमारे बच्चे का कैरियर उस बंदे ने तबाह कर दिया है, हमने उस बंदे से इस कैरियर का भी बदला लेने हैं। आमिर मेरे साथ मौजूद है जो कि क्रिकेट खेलते हैं, इनके इलाके में सब इनके क्रिकेट के फैन है। इनको तो ये लगा था शायद ये इंटरनेशनली या नेशनली भी खेलेंगे। आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला जिसका कंटेंट है, डियर मोहम्मद आमिर, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग एंड साइनिंग द जॉब ऑफर लेटर। आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर एम्प्लॉयमेंट विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज बीन कंफर्म्ड इन द कैपेसिटी ऑफ क्रिकेट टीम। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर अपॉइंटमेंट एंड वेलकम टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वी लुक फॉरवर्ड टू इयर्स ऑफ फ्रूटफुल कोऑपरेशन एंड सक्सेस। वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक इन योर न्यू पोस्ट। और बाकायदा साइन भी किए गए हैं। तो ये लगता तो बिल्कुल ऐसे ही है कि असल है एक आम आदमी के लिए। आपको लगा कि शायद ऐसा भी मुमकिन है, शायद आपकी सिलेक्शन हो गई हो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा था। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब फ्रॉड है, ऐसे क्रिकेट में कोई भी नहीं जाता जैसे ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं बचपन ही से खेलता आ रहा हूँ। फहीम अशरफ जो कि अब पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहे हैं वो मेरे साथ खेलते रहे हैं। मामू ने ये सरप्राइज दिया, मैंने कहा शायद मेरा सपना पूरा हो चुका है, हो सकता है मैं पाकिस्तान क्रिकेट खेल सकूं। मामू के बगैर पूछे मैं ये लेटर लेकर PCB दफ्तर में पहुंचा। वहाँ कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि भाई आपका लेटर जेली है, आप बराए मेरे बिना आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं फिर घर वापस आ गया। PCB में आपने कोई कम्प्लेन की? नहीं, मैंने कम्प्लेन नहीं की कोई भी। उस आदमी का सिर्फ पर्चा करवाया गया हमने थाने में। आप देखें हमारे साथ क्या इंसाफ करते हैं वो। किसी के ख्वाबों के साथ खेलना, किसी की ख्वाहिशात के साथ खेलना, किसी के अरमान के साथ खेलना, ये सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि गुनाह भी है। एक शख्स जो कि बहुत जुनूनी है क्रिकेट के मामले पर और वो चाहता है कि वो पाकिस्तान के लिए खेले, उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड और साथ पैसों का इतना बड़ा फ्रॉड सरासर ज्यादती है। और इंटरेस्टिंगली आपको मैं ये बात बताऊं, इन्होंने 6 लाख रुपए की उस बंदे के साथ डील की और जो FIR में लिखा हुआ है वो है 60 लाख रुपए। जब मैंने इनके मामू से पूछा कि 60 लाख रुपए क्यों लिखे हुए, तो उन्होंने कहा कि जब पर्चा करवाया गया था तो 6 लाख रुपए लिखे गए थे, जबकि जिस शख्स ने पर्चा किया थाने में उसने कहा कि गलती से 0 भी साथ लग गया है
तो इसलिए इसको ऐसे ही जाने दें। ऐसा ही हुआ था? हाँ जी ऐसा ही हुआ था। हमने तो वो FIR 6 लाख की करवाई ना, कंप्यूटर वाले से गलती हो गई, चाहे ये फ्रॉडियों ने की है ऐसे, भी तुम इस पर्चे को ऐसे दफा रफा हो जाएगा, 6 लाख की बजाय आप 60 लाख लिख दें, ऐसे भी ये FIR फारग हो जाएगी, इसकी कोई अहमियत नहीं रहनी। ये बड़े अचंभे की बात है कि 6 लाख रुपए का पर्चा है और 60 लाख रुपया गलती से लिखा गया। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए लेट मी टॉक टू SHO इलाहाबाद कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, दुआ मिर्जा बात कर रही हूँ डेली पाकिस्तान से, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। हाँ जी अल्लाह का शुक्र। मलिक शमशेर साहब बात कर रहे हैं ना? जी जी सर। ये मैं एक स्टोरी पर काम कर रही थी, वो जो क्रिकेट के नाम पर फ्रॉड हुआ था आपके इलाके में, उन लोगों का ये कहना है कि उन्होंने FIR में 6 लाख रुपए लिखवाए थे, जबकि जिस बंदे ने FIR की उसने कहा कि गलती से 60 लाख रुपए लिखे गए। तो क्या ऐसा हुआ है? ये ऐसा नहीं, देखिए ये तफ्तीश का काम पुलिस का है, पर्चा उनका है, हो गया है। सर पर्चे की बात कर रही हूँ कि पार्टी का ये क्लेम है। मैडम मैं बात सुन लेना, सुनाए। तफ्तीश है वो पुलिस का काम है, इसमें आपका तो नहीं है कि जी वो क्या ये सही है या गलत है। वो जो आप सामने आएंगे उनको दोनों पार्टियों को आमने सामने जो भी सूरत हाल उनकी क्लियर हुई वो उसके मुताबिक हम कोर्ट के उनको लिखेंगे कोर्ट। जी ठीक है सर, थैंक यू। हमीद नामी शख्स जिसने ये फ्रॉड किया है वो अभी इंटरिम बेल पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निशान ये है कि एक शख्स किसी भी इदारे के नाम को इस्तेमाल कैसे कर सकता है। PCB एक बड़ा रिस्पेक्टेबल इदारा है और क्रिकेट के मामले में तमाम लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो एक शख्स इस इदारे को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, इसका जाली लेटर कैसे बना सकता है, और वज़ीर आज़म का नाम भी उसने इस्तेमाल किया और इनको कहा कि वज़ीर आज़म से उसकी बातचीत है। इनका ये मुतालबा है कि इनको पैसे तो वापस चाहिए ही, लेकिन जो करियर पे इसके धब्बा लगा है, जो करियर पे एक सवालिया निशान बन गया है कि इसने पैसे लगाए हैं, तो इसके मामू ने इसको सरप्राइज दिया था और ये अपने ख्वाबों की तकमील के बहुत करीब खुद को समझ रहा था, लेकिन इसको नहीं पता था कि एक शराब है और उसको फंसाया जा रहा है। तो इसकी अपील है कि मामले की प्रॉपर इंक्वायरी हो, उस गरोह को पकड़ा जाए और ये नेटवर्क जहाँ जहाँ काम कर रहा है उनको भी पकड़ा जाए। ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि आप लोग प्लीज़ खबरदार रहें, किसी भी शॉर्टकट में मत फंसें, किसी भी फ्रॉड में मत आएं और अपने ख्वाबों के साथ खुद भी मत खेलें। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी, अल्लाह ने किया।